चैट शो कॉफी विद करण में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया और बीसीसीआई में उसकी काफ़ी आलोचना हो रही है, देश में आलोचना हो रही है। इसकी वजह से टीम इंडिया का ऐलान भी रुका हुआ है। शनिवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे शुरू होने वाला है। हमारे साथ हैं इस पर चर्चा के लिए विष्णु शर्मा और मोहित। हम जानना चाहेंगे कहाँ से इस मामले की शुरुआत हुई थी और उन्होंने कौन सी ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर कैसी आलोचना हो रही है। दरअसल जो टिप्पणियां हैं, दरअसल मैं कॉफ़ी विद करण शो के बारे में लोग जानते ही हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग नहीं जानते हो चाहे वहाँ बहुत ढेर सारी चीज़ें पर्सनल होती हैं और ज़्यादातर उस पर फिल्म स्टार्स आते हैं और वो इतनी रोचक होती है लोगों के लिए, कभी कभी वो विवादित हो जाते हैं। रोचक के साथ साथ उसको अश्लील भी कहें। कई बार सेक्स को लेकर बात हो जाती है, फादर के सामने जैसे सैफ अली खान के सामने पूछ लिया जाए सारा अली खान के साथ किसे के किस के साथ डेट पे जाओगी, इस तरह की बातें होती हैं। तो हार्दिक पांड्या के साथ ये हुआ कि वो थोड़ा सा रॉ में बह गए, जो उन्होंने बाद में ट्वीट किया कि वो रॉ में बह गई, जैसे उन्होंने भूल गए कि बीसीसीआई के से जुड़े हैं, क्रिकेट से जुड़े हैं, क्रिकेट टीम के मेंबर हैं और क्रिकेट टीम के जो लोग हैं वो एक हद तक देश में जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वो मजाक तो करते हैं, कपिल शर्मा के शो में जाते हैं मजाक तो करते हैं, लेकिन लड़की और अश्लीलता और उन सब पे बोलने से बचते हैं। रॉ में बहना एक बात है और उसको बार बार, उन्होंने एक बार थोड़े गलती की, अब उस पूरे नहीं, पूरे पूरे एपिसोड में, उस एपिसोड में उन्होंने कहीं भी उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उन्हें लग रहा था इस शो का नेचर है, इस पे कुछ वो एक तरह से अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। बिल्कुल वाहवाही, वो सवाल उस तरह के थे कि अब वर्जिनिटी को लेकर सवाल था तो सेक्स पे आप क्या सोचते हैं, तो बोले मैंने जब वर्जिनिटी खोई तो अपने पेरेंट्स को जाके बोला कि आज मैं करके आया, तो पेरेंट्स ने क्या जवाब दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, वो दूसरा वाला जो सवाल था, उन्होंने पेरेंट्स से क्लब में पार्टी में गए उनके साथ, तो पूछने तेरा वाला कौन सा है, हाँ। लड़की कौन सी तेरी, ये पॉइंट आउट करके लड़कियों को पूछ रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं वो, तो वो कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। तो एक तरह से यानी लड़की सुंदर देखी तो पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि वो कौन सा है। फिर पूछ रहे हैं कि करण जौहर बात कर रहे हैं कि तुम क्लब में जाते हो पार्टी में जाते हो तो किसी लड़की का नाम क्यों नहीं पूछते हो या याद नहीं रखते हो या जो भी है, तो वो कह रहे कि नहीं आई वॉच देम एंड क्लोजली सी देयर मूव्स, बेसिकली मूव देखता हूँ उनके, वो जा रही हैं चल रही हैं कैसी लग रही हैं, आप समझ सकते हैं उनका इशारा किस तरफ होता है। तो वो इस तरह के जो सवाल थे, यानी हार्दिक पांड्या उसमें इतने ज़्यादा बह गए कि वो खुद एक तरह से जो करते हैं करण जौहर मजाक वो करने लगे वो कि हमें कपल समझा जा रहा है। जिस तरह से करण जौहर करते हैं ठीक उसी तरह से वो अपनी वाहवाही लूट रहे थे, मतलब अपने केएल राहुल और खुद को लेकर भी बोले कि लोग हमें कपल समझते हैं, ऐसा ना समझें हम कपल नहीं है, यानी हम गे नहीं है, ये कहना अब एक क्रिकेटर के मुंह से ऐसे सुनना ये वाकई में देश के लिए थोड़ा सा। और केएल राहुल जो ये कह रहा है कि इसे जो है उसमें बातचीत करते करते वो आगे बढ़ जाते हैं ये कहते हुए कि कई बार तो ऐसा करते हैं कि दो लड़कियों को एक ही मैसेज देते हैं और उन्होंने हमसे कहा कम से कम अपने दोस्त की समझाओ तो कम से कम मैसेज तो बदल लिया करें। ये ढेर सारी इसमें बातें हैं, जैसे वो कह भी रहे हैं कि अगर दो लड़कियाँ हों और एक को चुनना पड़े तो राहुल तो बड़ा सदा हुआ जवाब के लड़की पे अप टू द गर्ल, लेकिन हार्दिक पांड्या उसमें कहते हैं कि नहीं ये टैलेंट की बात है, जिसमें टैलेंट होगा वो ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं विटी हो गए हैं और आम दर्शक को भले ही ना लगे लेकिन जो बीसीसीआई के अधिकारी हैं और जो एक इमेज बनी होती है जनरली जो सीनियर किस्म के लोग हैं, उन्होंने क्रिकेटर को किसी को इस तरह से करते हुए नहीं देखा। और जहां तक मोहित बताएंगे परमिशन जैसा कुछ, हाँ परमिशन लेनी होती है अगर आप किस तरह के चैट शो में जाते हैं। मोहित आप यंग हो और यंगस्टर काफ़ी इस चीज़ को लाइक करते हैं, खुलापन में विश्वास करते हैं, हर चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं। ये जो डिस्कशन हुआ बेसिकली ये तो चैट शो है, वैसे भी कॉफ़ी विद करण तो ऐसे ही शो के लिए जाना जाता है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्ट तो आप ऐसे शो में जाने से पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए। बिल्कुल परमिशन लेनी चाहिए, पुराना सबको पता है इस तरह का शो है ये, उस तरह की चीज़ें इसमें बोली जाती हैं, सवाल रैपिड फायर तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो पहले इन्हें जानना चाहिए क्योंकि हमारे क्रिकेट की जो छवि रही है, सचिन तेंदुलकर हो भगवान की छवि उन्हें देखा जाता है और तमाम चीज़ों क्रिकेटर की छवि के हिसाब से मेरे हिसाब से शो नहीं था, उन्हें सोच समझ के जाना चाहिए था। हालांकि उन्हें बाद में एहसास हुआ जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई तमाम तरह की चीज़ों ने देखने को मिली कि हाँ ये सब चीज़ें चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो गलती रही अब इसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ रहा है फिलहाल। अब मैच कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है सिडनी में, कल मैच खेला जाना है 7:30 बजे से भारतीय समय के अनुसार, तो ऐसे में टीम पे गाज इन दोनों खिलाड़ी को रखा जाए या ना रखा जाए, क्योंकि दोनों ऑलराउंडर हैं, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, केएल राहुल हालांकि लाल गेंद से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लेकिन वाइट गेंद से शानदार खिलाड़ी हैं, तो इसका खामियाजा फैंस को भुगतना, क्रिकेट फैंस को, भारतीय क्रिकेट क्यों भुगते इनकी गलतियों का। अच्छा विष्णु जी, आपको ये नहीं लगता कि ये जो कॉफ़ी विद करण है, ठीक है आप अपना शो करते हैं और तमाम फिल्मी सितारों को बुलाते हैं, उसमें उनकी निजी लाइफ के बारे में पूछते हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी शो हिट भी है, अब ऐसे यंगस्टर को बुला करके और मैं ये कहूँ कि आप उकसाते हैं ऐसा बोलने के लिए? नहीं वो तो है ही, आज दौर बदल रहा है, जैसे सोशल हॉटस्टार पर शो आता है
ऐसे ही आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और ढेर सारे ऐप्स पे, वहाँ कोई बैन नहीं है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो सोसाइटी तो बदल रही है, सोसाइटी बदल रही है, अब उसके अकॉर्डिंग ये लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक शो AIB का हुआ था, आपको ध्यान होगा, जहाँ बड़े बड़े जो स्टार हैं, जो पर्दे पे कभी कभी गालियाँ दिखती हैं, वो खुल के बता रहे हैं। अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, पड़ा हुआ है, आप वीडियो निकाल सकते हैं उनके, जो ऑल इंडिया बकचोद, नाम ही देखिए, वो नाम है उस तरह का। तो वो पूरा जो सारा जो बोलते हैं, जो कंटेंट होता है, वो सब उसी तरह का होता है। ओपन, जो हम लोग नॉनवेज चुटकुले जिन्हें बोलते हैं, वो सारा वो लोग बोलते हैं। और मजे की बात ये होती है कि ये लोग जो भी स्टार बन जाता है सेलिब्रिटी, वो सोसाइटी को उस तरह से समझ के, मैच्योर होके, पढ़ के समझ के नहीं चलता है। वो सेलिब्रिटी होने का मतलब फिर वो ये समझता है कि वो ये नहीं बोल रहा है कि जो पद्मावती का रोल कर रही है वो ऐसा ना करे, ये सोसाइटी में क्या असर जाएगा, मैं क्रिकेट टीम का मेंबर हूँ, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, ये उनको समझना मुश्किल है। तो मुझे लगता है ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। एक चीज़ मुझे इस पूरे एपिसोड में लगा, जिस तरह से सोशल मीडिया पे और यंगस्टर्स के भी रिएक्शंस आए हैं वो मैं देख रहा था। एक तरफ तो यंगस्टर्स या नई पीढ़ी का ले उसका मतलब इसका इस ये चीज़ को बहुत सामान्य भाव से लेती है, कोई बहुत ज़्यादा उस ठीक है। दूसरी तरफ जो है इनके टिप्पणियों को जो है बहुत सीरियस लिया जा रहा है, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उन्होंने माफ़ी मांग ली, मान लिया कि अभी 27 ईयर्स के आसपास उसके जो माफ़ी मांग ली, इसके बावजूद जो है देश अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई लिव इन में बहुत लोगों को चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि लिव इन क्या है, बहुत लोगों को अभी गे सेक्स और जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इन सबको लेके, तो जाहिर है कि अलग अलग विचारधारा है, बहुत से लोग नहीं मानते। ये वही देश है जो जहाँ पे कामसूत्र लिखा गया, जहाँ पे खजुराहो है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ पर्दे में रहने दो, कभी कभी क्या होता है जो सोसाइटी मानती मानी जाती है कि चीज़ें सारी डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, वो वहाँ करिए, ऐसा लोग मानते हैं। कई लोग नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सब खुला होना चाहिए। तो ये बहस है, चलती रहेगी जिंदगी भर। इसमें लपेटे में ये दो क्रिकेटर आ गए, बस लपेटे में आ गए। क्या लग रहा है कि जैसे अभी विराट कोहली ने जो कैप्टन है, मैच होना है, उन्होंने कहा कि पहले ये पूरा मसला निपट जाए, उसके बाद जो है हम इस टीम हाँ, विराट कोहली ने बोला है कि इन दोनों खिलाड़ियों की इनकी निजी राय है, पहले उन्होंने क्या टीम इसका समर्थन नहीं तो कर। नेचुरल सी बात है कि जब ऐसी बात बोलेंगे तो निजी राय होगा, उसमें टीम कहाँ से आएगी। इससे चेंजिंग रूम में कोई जो बिहेवियर है आपस में जहाँ मिलते हैं सारे क्रिकेटर्स, वहाँ कोई हमें मतलब कोई टेंशन नहीं है, दोनों इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीम, जाहिर सी बात है कि विराट कोहली जिस तरह की इमेज के खिलाड़ी हैं, महिलाओं के ट्वीट करते रहते हैं, उन्हें इस तरह की जाहिर सी बात है कि इमेज को लेकर थोड़ा सा नहीं इस तरह की कोई टिप्पणी करता, भारतीय क्रिकेट में शायद ही किसी ने की हो, पहली मरतबा देखने को मिला है। तो हिसाब से उन्हें भी आहत हुआ होगा। तो उन्होंने बोला है कि अभी हम फिलहाल कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, कल वनडे है, उस चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, BCCI अब जो भी जल्द कल फैसला लेगा उसी के बाद टीम का ऐलान किया जाएगा क्या प्लेइंग 11 खिलाते हैं। फिलहाल मामला जो प्रशासनिक कमेटी है जिसके चेयरमैन विनोद राय हैं, जो XCG हैं, उन्होंने तो इस पे एक्शन लेने के लिए बोला है। दूसरी जो मेंबर है उन पे है लीगल, उनकी जो भी सेल होता है उसको लिखा गया है, और इस पे शायद एक्शन लेने के वो लोग मूड में है कि इस पे एक्शन हो जाए। मैच का बैन की बात तो आई भी है, और रत्नाकर शेट्टी हैं पुराने BCCI के अधिकारी हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए ट्वीट किया। ऐसे ढेर सारे लोग हैं, उनके जो वो हैं टिजरार हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस पे एक्शन होना चाहिए। ऐसा कई सब लोगों ने कहा है और वो इस पे एक बात हो रही है, लेकिन उस पर दूसरी बहस इसके साथ ही उठ खड़ी हुई है कि क्या इसमें गलत क्या है, वो चल रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि यानी सोशल मीडिया पे भी दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ऐसा है जो इसको सपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने बहुत सामान्य सी बात कही है, ऐसा हर कोई नहीं तो अधिकांश लोग करते हैं, और उसने उसको एक तरह से कन्फेस कर लिया। हाँ, वो ये है कि कोई भी कोई बड़ा नाम उनके साथ एकदम खुल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे यंगस्टर्स। अच्छा, आपको ऐसा कोई वाकया और इसके पहले याद आ रहा है जब किसी क्रिकेटर, जब किसी और किसी बड़े खिलाड़ी ने इस कॉफी विद करण शो में ऐसा कोई नहीं, ऐसी कॉफी विद करण तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जैसे सुनील गावस्कर थे, उन्होंने फिल्म में काम किया, एक मराठी फिल्म में बाकायदा हीरो बने, डांस किया, गाने गाए, हीरोइन के साथ सब कुछ किया उन्होंने। तो ऐसे और भी लोग कभी कभी फिल्मों में कई क्रिकेटर आते रहे, तमाम लव स्टोरी किससे सबके मशहूर रहे, इवन लड़कियों के साथ देखे गए, ये सबको पता रहता है फलानी पार्टी में कौन था, इस कई और पार्टियों में लड़कियां आई, किसी के साथ किसी के फोटो खींचे, रवि हार्दिक पांड्या यदि यही फिल्म में रोल कर रहे होते और यही सेम डायलॉग बोले होते तो इतना बवाल नहीं होता, क्योंकि आप फिल्म कर फिल्म और परमिशन का भी एक इशू है। मुझे लगता है कि उन लोगों को इस तरह के शोज में बैठने के लिए परमिशन जैसा कुछ होना चाहिए, अगर BCCI इतना ही जब नियम का। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है जो मैं इसका प्रोसीजर्स और रूल्स सुन के देख रहे थे, उस रूल्स में जैसे ही आप BCCI के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं, उस कॉन्टेक्ट में ये प्रोविजन होता है कि जब कभी आप ऐसे शो में भाग लेंगे जो भी खेल के एक्टिविटी से जुड़ी हुई नहीं है, जो हमारा कॉन्टेक्ट है, तो
उससे जाने से पहले आपको परमिशन लेना होता है। लेकिन सामान्य तौर पर होता क्या है कि जब भी ये लोग जाते हैं किसी चैट शो में, सिर्फ यही चैट शो नहीं किसी ऐसे शो में जाते हैं, वो परमिशन नहीं ले लेते हैं। और इसमें भी जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक इसमें भी परमिशन नहीं ली गई थी और वो भागते हुए न जाने उन्होंने वहाँ पर क्या क्या बोल दिया। बड़ा इशू है, यही एक बड़ा इशू है कि अगर आप बंधे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट से और आप बात नहीं कर सकते किसी क्रिएटर से, जनरली मीडिया वाले भी वो पूछते हैं पहले मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, पहले पूछना पड़ेगा टीम से, ऐसा होता है कई बार, तो यहाँ कैसे हो गया कि वो बिना पूछे बिना डिस्कस किए जबकि आप प्रेजेंट टीम में खेल रहे हैं, अब रिटायर्ड नहीं है। तो क्या लगता है, जैसे मान लीजिए कि माना ये जरा कि 1991 के बाद उदारीकरण के दौर के बाद जो पीढ़ी आई है वो पीढ़ी बहुत ज़्यादा खुलापन में यकीन रखती है, वो आपस में भी डिस्कस करती है, तो उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, तो कहीं हमारा ये समाज का दोहरापन तो नहीं है कि इस रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे इस रूप में स्वीकार कर लेंगे? नहीं, समाज का ये दोहरापन हमेशा चलता रहा है। मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, ये ऐसा नहीं है, यही कामसूत्र लिखा गया, खजुराहो यहाँ थे, जो सेक्स को लेकर चर्चा है वो होती रही, ओपन होती रही है देश में, वो बीच में आक्रमण हुए उनकी वजह से लोग संकुचित आई उसके चलते और उसकी वजह से लोग हुआ नहीं, इस देश में डिस्कशन हमेशा होता रहा है। ऐसा लिंग को पूछने वाले लोग हैं, योनि को पूछने वाले लोग हैं, मैं तो इस देश में होता रहा है, लेकिन ये होता रहा है कि उसका कोई मिसयूज ना करे, उसका कोई अलग अर्थ ना ले जाए, एक आम आदमी जो पल रहा है बच्चा उसको अलग बता के उसको एक टाइम के बाद ये चीजें दी जाएं जिससे वो समझे। और मतलब ऐसी चीजों की सामाजिक स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती, आप मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो कौन आपके सामने ऑडियंस है, कौन जा रही है, कहाँ पे जा रही है, आप किस पोजीशन पे बैठे हैं, अब नरेंद्र मोदी बैठ के पीएम पोस्ट पे या मनमोहन सिंह अपनी पोस्ट पे बैठ के ये सब बातें करते तो वो शायद नहीं पसंद आता, तो जाहिर है आप जिस पोस्ट पे हैं वो पब्लिक को नहीं आता समझ में। कुछ ऋषि मुनि थे, उन्होंने लिख दिया, किसी ने मंदिर बनवा दिए, किसी ने कुछ किया, वो टाइम पे होता रहा तो उन लोगों ने किया, लेकिन आप पोजीशन पे हैं तो वो एक इसका कोई ऑथेंटिक रूल नहीं है गवर्नमेंट का। और ऐसे तो पब्लिक प्लेस पे ओबेसिनिटी एक अपराध है, वैसे कोई रोक नहीं है। हाँ, वैसे भी कहा जाता है कि बोल चाल ढाल जो जो है देश काल पात्र के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन इससे फर्क बहुत जबरदस्त पड़ा है। उनके जो जो हार्दिक पांड्या ने को माफ़ी मांगनी पड़ी, माफ़ी मांगने के बाद उनके पिताजी ने भी आके बयान दिया कि नहीं वो लड़का थोड़ा अच्छे नेचर का है, वो बोल गया मजाक में, उसके बाद हॉटस्टार पे वो शो ढूंढने नहीं मिल रहा है, यानी उन लोगों ने भी इस बात को समझाया कि कल से कोई क्रिकेटर आना बंद हो जाएगा या हो सकता है बीसीसीआई का प्रेशर पड़ा हो, जो भी है उन्होंने कुछ रूल्स फॉलो ना किए हों तो वो उनको दिक्कत हुई है, और हॉटस्टार की डील ऑलरेडी है क्रिकेट मैचों को लेके, तो ऐसे में फ़र्क बहुत ज़बरदस्त है। आप उनके नीचे की हार्दिक पांड्या ने जो माफ़ी मांगी है उसके बाद लोग तमाम सारे जोक्स चुटकुले उसमें शेयर कर रहे हैं, तमाम सारी बातें लिख रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तो वो है ये चीज़ें, ये बहस है, इसको जब देश का लोकतंत्र का हिस्सा समझिए कि ये चीज़ें होंगी, इन पर कोई गलत और कोई सही नहीं है। मुझे क्या लगता है, आप जैसे कि इसकी आलोचना हो रही है, दो ग्रुप बन गए सोशल मीडिया में भी, एज ए यंगेस्टर पर्सनल व्यू यदि मैं कहूँ तो आपको क्या लगता है कि इसकी इतनी ज़्यादा आलोचना करने की ज़रूरत है? यदि इस बात को यहीं छोड़ दिया जाता तो शायद इतना डिस्प्यूट नहीं पड़ता। एक्चुअली मैं मेरे हिसाब से कि क्रिकेट को लोग आइडियल के तौर पे आजकल देखें, युवाओं में भारत में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है, लोग आइडियल छवि देखते हैं, कपिल देव, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आइडियलिज का फ़र्क होता है, लोग चीज़ें देखना चाहते हैं उसकी पॉजिटिव इमेज देखते हैं हमेशा, जैसे कि कोई आप जैसे नाटक या सीरियल देखते हैं आपको उसमें जो बहू का किरदार निभाती है हम उसे पॉजिटिव देखते हैं, अगर उसका कोई इंटरव्यू वैसा वायरल होता है और पता चले लोगों को अच्छा ये ऐसा भी करती है तो वो चीज़ों का फ़र्क होता है, कि मेरे हिसाब से फैंस को भी थोड़ा सा नुकसान मतलब दुख पहुँचा। क्या मानेंगे, मैं तो ऐसा करूंगा लेकिन जो जिसको मैं आइडियल मानता हूं वो ऐसा ना करे। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन फैंस थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि जैसे आप आईडियल देखते हैं ऑलराउंडर हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो सोचते हैं इनकी तरह बनने का, और इस तरह के लोग पता चले कि चीज़ें करते हैं। तो विष्णु जी, आप लंबे समय से एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, ये बताइए जो फिल्में हैं, जो सीरियल्स हैं, जो इस तरह के चैट शो है, अब फिल्मों का नाम रखा गया कमीना, न जाने क्या क्या रखा गया जिसको हम लोग गाली कहते हैं, तो इससे भी तो कुछ ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है कि जो सामान्य शब्द ऐसे हो गए जैसे सामान्य शब्दों का इस्तेमाल, इसमें कोई खास बात नहीं है। फिल्म समाज का सोसाइटी का हिस्सा है। अभी एक किसने गुलजार साहब ने शायद एक बात कही थी कि हम लोग कोई मैसेज देने के लिए ही नहीं है, मैसेज देने वाली मूवी होगी मैसेज देगी, जो सत्य दिखा रही होगी जो जैसा घट रहा है वो वैसे दिखा रही होगी, एंटरटेनमेंट दिखा रही है एंटरटेनमेंट दिखा रही है, जो मूवी सेक्स संबंधों पे बनी है वो उस पर दिखाएगी, जो जिस मुद्दे पे है वो उसकी बात करेगी। सोसाइटी की अलग अलग चीज़ें हैं, कभी
जो मूवी है या सिनेमा है वो सोसाइटी का एक पहलू उठाता है और उसको स्प्रेड कर देता है। दोनों चीजें हैं, मतलब आप सोसाइटी को भी दर्पण बना लेते हैं और आप भी जो कहते हैं उससे भी सोसाइटी पर असर पड़ता है। एक मुद्दा सोसाइटी से उन्होंने उठाया, सिनेमा वालों ने उसको स्प्रेड किया, यानी वो मुद्दा मोहित को पता था और मोहित से हमने लिया और आपको पता चल गया या मुझे पता चल गया, बाकी लोगों को पता चल गया, तो उनको नहीं पता था। अब उसको उस मुद्दे को उठाया, उसने सीख लिया, तो वो सीरियल्स देख के भी होता है। तो दोनों ही चीजें हैं, आप प्रेरणादायी फिल्म, वाइस वर्सा है ये चीजें, प्रेरणादायी फिल्में बनाते रहे तो हमेशा नहीं है कि प्रेरणादायी फिल्में बनती रहें और लोग उनके दर्शक आते रहें। एंटरटेनमेंट एंगल जरूरी है, नौ रस हैं जिंदगी के, नौ रस का आपको असर दिखता रहेगा ये सारी जितनी कलाएं उन सब में, तो वो होगा। एक चीज और है इसी बहाने सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया को अभी तक हालांकि मीडिया के रूप में रिकॉग्निशन नहीं मिला, खासतौर से डिजिटल मीडिया के बारे में बात होती है, तो ये जो एक तरफा चीज़ें हैं जैसे कि इन्होंने कुछ कहा उसके बाद जो डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आते हैं उस पे भी तो कोई लगाम नहीं है, मतलब उन्होंने ऐसा बोल दिया तो आप उसकी आलोचना कर रहे हो, लेकिन आप जो कमेंट करते हो इस उसी सोशल और डिजिटल मीडिया पे, धीरे 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 जैसे अपने आप चीज़ें अब वो हो रही हैं। अब ये देखिए कि मान के चलिए एक दर्शक वर्ग है, पोन का एक दर्शक वर्ग है, वो चलता रहेगा, वो देखते रहेंगे जैसे भी देखना है, लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी पे जोर दिया जाने लगा है। लोग जानने लगे हैं कि फलाना यूट्यूब चैनल अच्छी खबरें देता है, क्वालिटी खबरें देता है और विश्वसनीय देता है, तो वो उस पे जाते हैं। सेम मीडिया ब्रांड के साथ भी है जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है या जो पर्सनल बंदे चेहरा बन गए, धीरे धीरे ये होता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के, हर तकनीकी के साइड इफ़ेक्ट हैं। आप न्यूक्लियर को शांति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बम फोड़ सकते हैं, वो हमेशा रहेगा। तो कमांड हमेशा उस व्यक्ति के हाथ में रहनी है जिसके यहाँ भेजा है, उससे तय करे, अपने विवेक से तय करे, दिमाग से तय करे क्या करना है, वो होगा, उसको आप रोक नहीं पाओगे। आप उस पर कंट्रोल करेंगे तो अलग दिमाग को दिक्कत होगी, वो दिक्कतें आएंगी, फिर छुप के आएंगी चीज़ें। तो कुल मिला जुला के आप वैसे तो अभी डेवलपिंग है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है कि क्या आगे डिसीजन होता है, फिर कब टीम डिक्लेयर होती है या उन्होंने माफ़ी मांग ली है, क्या आपका पर्सनल व्यू क्या है कि माफ़ कर दिया जाना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए? नहीं, माफ़ फिलहाल तो मेरे हिसाब से कि अगर कुछ ना कुछ शायद फिलहाल तो माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन आगे जाके कुछ कानून में और थोड़ा सा कि भी इसे हमको सख्त कर देना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना घटें और ताकि इस तरह की चीज़ें ना भविष्य में दोबारा हों। विष्णु जी आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा भी यही मानना है कि अगर इन चीज़ों को लेकर रूल पहले क्लियर होने चाहिए, अगर उन्होंने वाकई कोई रूल तोड़ा है, अगर ऐसे रूल थे परमिशन लेके बैठने वाली और ये सारी चीज़ें, तो शो वहाँ पे कमेटी हो, शो की नेचर देखे या कार्यक्रम की नेचर देखे तय करे जा सकते नहीं जा सकते, कोई गाइडलाइन इशू करिए, बस ये हो सकता है। तो कुल मिला जुला करके दो तरह की राय है, सोशल मीडिया पे भी दो तरह की राय चल रही है, लेकिन लबोलुआ भी है कि इससे क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई अभी इस पे विचार कर रही है कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, उसके बाद ही टीम डिक्लेयर किया जाएगा। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।